हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ रुखसार और आप देख रहे हैं रुखसार व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें ताकि आपको मेरी इस वीडियो से फायदा मिल सके। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए फ्रूट फेशियल, जिसे हम यूज करके अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोई बना सकते हैं। अपनी अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा एजिंग आ रही है तो एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, रिंकल्स फाइन लाइन सबको रिमूव करेगा। और अगर हमारी बहुत ज्यादा हमारे स्किन पर ओपन पोर्स हैं तो उनको भी मिनिमाइज करेगा, तो बहुत अच्छे इफेक्ट देने वाला है। हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, हमारी स्किन को वाइटनिंग प्रोवाइड करेगा, हमारी स्किन पर अगर जितने भी दाग धब्बे हैं उन्हें भी रिमूव करेगा और हमारी स्किन को बहुत अच्छा एक्सफोलिएट करेगा। तो बहुत अच्छे इसके फायदे हैं। तो वो आजकल उसका सीजन है, तो ये है मेरे पास बनाना। तो आज मैं करूंगी बनाना फेशियल। इस तरह के दो बनाना हमें सिर्फ चाहिए। तो आज मैं करूंगी बनाना फेशियल। इससे हमारी अगर बहुत ज़्यादा हमारे इस चेहरे पर एजिंग आ रही है तो उसका प्रोसेस जो है वो हम स्लो डाउन कर देंगे, तो अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और वाइटिंग बनाएंगे। और आइए फेशियल करते हैं। तो ये मैंने दो बनाना लिए हैं केले, और इसको मैंने मिक्सर में डाल के ऐसे ब्लेंड कर लिया। तो एक का मैंने छिलका उतारा है और एक का छिलका नहीं उतारा। एक का फुल छिलका, एक फुल छिलके के साथ और एक इसको छिलका उतार के मैंने दोनों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद मुझे ये इसका मिला है, तो इससे हम आज करेंगे फेशियल। तो आज इसे फेशियल में यूज करके हम अपनी स्किन को बहुत अच्छा स्पॉटलेस बनाएंगे। और अपने जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे जो पोर्स हैं बहुत ज्यादा ओपन है या बहुत ज्यादा लार्ज हुए हैं, तो वो भी इससे बहुत मिनिमाइज होंगे और हमारी स्किन पर एजिंग जो है वो भी काफी स्लो डाउन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्लीन बाउल चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मैं लूंगी 2 टेबल स्पून ये बनाना पल्प जो मैंने बनाया है, वो ले लेंगे इसका। और इसके बाद इसको हम इसमें डालेंगे हम, ये मेरे पास है ड्राई मिल्क, तो इसमें हम थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून इसमें हम ये ड्राई मिल्क यूज करेंगे। ये हम बनाएंगे क्लींजर, अपने फेस को क्लींजिंग करेंगे इससे। और इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन, थोड़ी सी हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। चौथा हिस्सा हम, टीस्पून का चौथा हिस्सा इसमें ग्लिसरीन का ऐड करेंगे, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप, ताकि ये बहुत अच्छा क्लींजर बन जाए हमारे फेस को। अंदर तक ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करे और हमारी स्किन से जो भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है उसे ये ख़त्म करेगा। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो ये हमारा क्लींजर तैयार है। तो ये हमारा क्लींजर तैयार है। तो ये मैंने छिलका लिया है, ऐसे हम छिलका ले लेंगे और छिलके के साथ ही इसको हम क्लींजिंग करेंगे इसकी ऐसे। इतना अच्छा हमारा फेस डीपली क्लीन होगा ना। दो से तीन मिनट हम अच्छी तरह से इसका मसाज करेंगे।
ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। ये देखें इतना अच्छा हमारा फेस डीपली क्लीन हुआ है, तो मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो ये मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ। अब हम करते हैं दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप में हम डालेंगे 2 चम्मच बनाना पल्प के, ये अब हम करेंगे अपने फेस की स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए मैं तैयार करूँगी 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं ये बनाना का, और अब इसमें डालूँगी मैं 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी राइस पाउडर। ये है राइस पाउडर, तो इसका 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा इतना सा मैं ले लूँगी ताकि मेरा अच्छा सा स्क्रब बन जाए। और ये अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल। ये 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल डालूंगी, तो इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और बहुत अच्छा सा तो ये स्क्रब तैयार है। तो अब हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे इसे। तो ये बनाना का छिलके से ही हम मसाज करेंगे। आंख में चला गया था, तो अब दोबारा से तो इस तरह से हम जैसे ऐसे हम अपने फुल फेस पे से अप्लाई कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट इसका मसाज करेंगे बहुत लाइट हाथों से। और बहुत अच्छा कि हमारी जो हमारे स्किन पर डेड स्किन है उसे रिमूव करेगा बहुत अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट हम इसका मसाज करेंगे। दो से तीन मिनट हो गए हैं, अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हाथों से मैंने इसको स्क्रब किया अपने फेस पर, ताकि ये जो भी डेड स्किन हो वो रिमूव हो जाए और हमारे फेस पे बहुत अच्छी शाइन आ जाए। तो ये मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, ये देखिए कितनी अच्छी मेरे फेस पे शाइन आ गई है, कितना ग्लो करने लग गया और इतनी मेरी स्किन सॉफ्ट हो गई है। तो 2 स्टेप हमारे हो चुके हैं, अब तीसरा हम बनाएंगे फेस पैक इसका और वो अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें 2 टेबलस्पून बनाना के लेंगे, ये 2 टेबलस्पून हमने ले लिए हैं। और अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट दही, ये इतना इतना दही लेंगे हम। तो ये दही ले लिए और थोड़ा सा हम इसमें शहद ऐड करेंगे, ये हनी। बस इतना सा
चौथा हिस्सा हम इसमें शहद का ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे करेंगे मिक्स। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर, वो हम हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें। और बहुत अच्छा हमारा ये फेस पैक तैयार हो जाएगा, जिसे हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और 15 से 20 मिनट अपने फेस पर रखेंगे इसे। तो ये मेरे पास कॉफ़ी पाउडर है, तो हाफ टी स्पून हम इसमें ये ऐड कर लेंगे। ये हाफ टी स्पून हो गया, और हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब ये तैयार है, हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ये इस तरह से ये तो अब हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे इसे। तो ये लग गया, अब मैं मिलती हूँ आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो ये 15 मिनट हो गए हैं, मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो ये मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, देखें आप कितना अच्छी मेरी स्किन हो गई है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गई है और मेरी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आ गया। और देख रहे हैं आप कि कितनी ज़्यादा एक मेरी स्किन पर शाइन सी आ गई है। तो जैसे जैसे ये मेरा फेस ड्राई होगा, तो आपने बिल्कुल भी इसे पानी को खुशक नहीं करना है, ऐसे ही अपने फेस को छोड़ देना है और आप देखेंगे कि आपको इस फेशियल से बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आजकल जैसे कि सीज़न है केलों का, तो आप ये केले तो हर किसी के घर में आते हैं, तो आप इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपनी स्किन को बहुत अच्छा ग्लोइंग बना सकते हैं। आप अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा एजिंग आ रही है, तो उसे भी स्लो डाउन करेगी, और अगर आपके बहुत ज़्यादा पोर्स ओपन हो रहे हैं तो उसे भी मिनिमाइज करेंगे। तो बहुत हसीन आपकी स्किन होने वाली है अगर आप ये बनाना फेशियल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। और कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी स्किन को डैमेज करे या आपकी स्किन को कोई इसके साइड इफेक्ट हो, बल्कि इसमें बहुत नेचुरल से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे आप यूज़ करके अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बना सकते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, अपनी स्किन को वाइट कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, वो भी इससे रिमूव होंगे, आपकी स्किन को बहुत नेचुरल तरीके से ये वाइट भी करेगी और ग्लो भी देगी। तो आप ये फेशियल ट्राई करें और आप देखें आपको कितने अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।